जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो दिखाते हैं। तकरीबन 12 बजने वाले हैं, वीडियो अपलोड होगी तो शायद 12 बजे से ज्यादा का टाइम हो जाएगा। ये डंडा बरदार फोर्स इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। ये चार्ज लोग हैं, अभी अभी आए हैं, सारे यंग हैं और ये डंडे क्यों यहाँ पर लहरा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताओ ये डंडे झंडे क्यों खड़काए जा रहे हैं? ये एहतजाज है, हम एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, जो इमरान खान की तरफ के कारकुनों के, जो इमरान खान के कारकुनों के लिए इन्होंने आज किया, पुलिस ने कार्रवाई करी। भाई डंडे क्यों आप आज इकट्ठे करके यहाँ खड़े, कौन बोलेगा? बस ये बताइएगा कि ये डंडे यहाँ पर लेके क्यों बचाए जा रहे? मेरा दोस्त मार दिया। अच्छा, अभी अभी बहुत ज्यादा लोग आए यहाँ पर, तकरीबन कोई 20-21 बसें आई है, तो ये क्या चार्ज कारकुन बुलाए गए? कोई इतला है ऑपरेशन? नहीं, चार्ज नहीं है, पीछे फंसे हुए थे बंदे, यहाँ पे थोड़े थे, अभी तालिबान ने जुल्म किया। देखिए जी, कितने लोग चार्ज हैं और मैं आपको अगर दिखा दूँ कि इस वक्त जो जमान पार्क के बाहर के मनाजर आपके सामने है, कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद है, कितने एक्टिव लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो हम आपको दिखाते। भी कहा जा रहा है कि कुछ देर पहले 15-20 बसें आई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मस्तर साहब, तो क्या साहब बताइएगा कि अभी अभी 20 बसें आई हैं जनूबी पंजाब से, चार्ज लोग लग रहे हैं, बड़े यंग और एनर्जेटिक हैं, ऑपरेशन की भी इतला थी अभी कुछ देर पहले, मीडिया में भी चल रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, पहली बात तो जो जोश और जज्बा आप लोगों में देख रहे हैं, इस जोश और जज्बे से किसी का मुकाबला नहीं है। लोग न डर हैं, लोग अपनी जान हथेली पे रख के उस पाकिस्तान के लिए ख्वाहिश कर रहे हैं जो एक पाकिस्तान हो, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे ये जो भूख अफलास और नंग है ये खत्म हो। इसलिए अब कोई किसी की आंख में डर नहीं है, अब एक ही रास्ता है, इमरान खान होप है इस मुल्क की। इमरान खान को लोग देख रहे हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें तो ये मुल्क बच सकता है। पहली बात तो अल्लाह ताला जिले शाह को जन्नतुल फरदौस में जगह दे, उसके वर्षा को सबर दे, ये उनका पैनिक है, ये उनकी परेशानी है। 7 महीने से वो झूठे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, अब तो सिर्फ सांस लेने पर रह गया मुकदमा दर्ज हो, लेकिन ऐसे कंडे उनको ज्यादा देर कायम नहीं रख सकेंगे। अल्टीमेटली उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा और जिसके बाद उनको पता है कि हम उसके बाद नहीं रहेंगे। देखिये, मैं फिर कह रहा हूँ, ऑपरेशन किसको डराते हैं? आज देख रहे हैं कि लोग, इन्होंने फिर 25 नंबर वाला काम किया है, उसके बाद अगर किसी की आंख में खौफ होता तो यहाँ पे होते। ये कल भावलनगर, मेरा भावलनगर जिला है, भावलपुर आज रहीम यार खान, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, अपने शौक से आ रहे हैं, और उसके लिए कौन अपना घर छोड़ता है? दो वक्त की रोटी मुश्किल है। आज आज उनको देखे, किसी के चेहरे में खौफ नजर आता है? सब लोग एक जज्बे के साथ आए हैं और लोग समझते हैं कि इस राह पे अगर जान भी चली जाए तो वो उसका कोई गिला नहीं है। जी, हम रहीम यार खान से आए हैं और हम 24 बसों का काफिला है हमारे डिस्ट्रिक्ट, जी डिस्ट्रिक्ट हम चौधरी आसिम अजीज साहब MPA साहब की तरफ से आए हैं, और इसी तरह हमारे जिले के तमाम MPA MNAs और तंजीम। तो अभी इतला थी कि आज ऑपरेशन भी हो सकता है, अभी उसके बावजूद इतने ज्यादा नहीं है जी, हमारे से कोई खौफ नहीं है। हमने हम यूथ जो है इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमने इस मुल्क को बचाना है। हमारी अदलिया से भी गुजारिश है कि वो ये मामला देखे। कितने दिन के लिए आप? हम जब तक हमारी लीडरशिप नहीं कहेगी हम यहाँ कयाम करेंगे, हमारे कैंप लगे हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। हम जो सारा दिन हुआ आपने तो टीवी पे देखा होगा, उसके बावजूद आप हम रस्ते में थे, हम 700 किलोमीटर सफर कर रहे थे, हम रस्ते में थे, हम वहाँ से वापस जा सकते थे, लेकिन हमने अपने लीडर के लिए एक हमारा निडर शख्स हमारे लिए निकला है, तो हमारा भी फर्ज था कि हम उसके लिए यहाँ पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आपको दिखाते हैं जो लोग रहीम यार खान सादकाबाद बहावलपुर से आए हैं, और लग नहीं रहा कि लोग एनर्जेटिक नहीं है, थोड़ा सा लोग ये है कि थोड़ा डल है, जो जिले शाह की आज यहाँ पर पुलिस तशद्दुद से हलाकत हुई है। लेकिन आपको लोगों को दिखा देते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कितनी एनर्जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और ये आप मेरा ख्याल कैमरा स्क्रीन में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग होंगे यहाँ पर। ये खवातीन का एरिया है, इसको बंद किया गया, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं आगे जाकर एक बहुत बड़ा चार्ज क्राउड है जो कि रहीम यार खान सादकाबाद
और दूसरे लासिब यहाँ पर आया है। तकरीबन 15 से 20 बसें कहीं जा रही हैं, कोई 25 बसें कहते हैं, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं फिजिकली कितने लोग हैं जो यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं और इनका जो इरादा है वो यहाँ पर 2 से 3-4 रोज तक रहने का है। कुछ हदायात दी जा रही हैं इन्हें अपने रहनुमाओं की जानिब से, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिएगा और सड़क पे भावलपुर के दोस्त मौजूद थे, हमने सारी रात यहाँ पे रात को बैठ के गप्पे मारी, वहाँ पे रात को बैठ के भावलपुर के खाना खाया, चाय पी, रात को सारी। ये भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले लोग जो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं 15 से, रहीम यार खान से, कौन इनकी जानिब से? रहीम यार खान शहर रियास महबूब साहब राजा सलीम साहब की क्यादत में, ना रियास महबूब साहब की क्यादत में और राजा सलीम साहब की क्यादत में ये पूरा जिले से लोग आए, सिर्फ एक जिले के रहीम यार खान कब तक के लिए? ये जब तक खान साहब का हुक्म होगा नेक्स्ट जिला आएगा। तो ऑपरेशन का भी डर था ना? कोई बात नहीं, किसी ऑपरेशन से नहीं डरते, तैयार है। बहुत शुक्रिया। ये अभी इनको इतला भी थी कि सारा दिन ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सादकाबाद रहीम यार खान से जो लोग आए हैं वो उनका और लियाकतपुर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, आपको दिखा सकते हैं हम स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो ये अब तक की जो जो करंट सिचुएशन है वो हमने आपको दिखाई है और ये क्राउड यहाँ पर पहुंच चुका है।